नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और बुलेटिन की शुरुआत सीधा लिए चलते हैं आपको बुरहानपुर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर वासियों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। स्नेहपूर्ण समर्थन हमको सदैव मिलता है, लेकिन बुरहानपुर वासियों आप सबके सहयोग से अटल जी के सपनों का बुरहानपुर, नंदू भैया के सपनों का बुरहानपुर, समृद्ध और विकसित बुरहानपुर, शिक्षित बुरहानपुर, मैं अभी नहीं कह रहा शिक्षित नहीं लेकिन और बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बुरहानपुर काम अभी बहुत अच्छा ही किया है और रोजगार के क्षेत्र में एक उदाहरण और मॉडल बने, ऐसे बुरहानपुर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अनेक योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राही भाई बहनों को देने वाले हमारे कई हितग्राही भाई और बहन जो अलग अलग जुड़े हैं उनको ये सौगात मिलेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी मिलेगी, अलग अलग जनकल्याणकारी जो योजना उनकी भी मिलेगी और आगे मेरे निर्देश यही है जिला प्रशासन को कि आगे भी इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके माताएं हो, बहने हो, बेटियां हो, गरीब हो, नौजवान हो, बच्चे हो, सबका बेहतर प्रबंध आप करते रहे। योजना अनेक है, आज उनका कोई यथोदान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आज तुम्हें बुरहानपुर की धरती पर बुरहानपुर वासियों आपको दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपने कोविड संक्रमण से अपने जिले को बचाने में अतुलनीय योगदान दिया है और मुझे और सहयोग आपसे चाहिए विकास के लिए, जनकल्याण के लिए। बुरहानपुर वासियों आपका जो सहयोग मिलता रहा है तो बुरहानपुर अद्भुत शहर होगा। बुरहानपुर विकास की, जन कल्याण की, प्रगति की, नव निर्माण की, रोजगार की, ताकि हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करके अपने जिले को सबसे अलग खड़ा कर सके। उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। एक बार फिर नंदू भैया के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मेरे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया चयनित हितग्राहियों से संवाद करेंगे। मेरे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया जिला जिले से आगे में कोरोना योजना से संवाद करेंगे। डॉक्टर एमपी गर्ग साहब वहां पर हमारे उपस्थित हैं जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा। जिला अस्पताल में कोरोना योद्धा डॉक्टर एमपी गर्ग साहब से संवाद करेंगे। डॉक्टर गर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर एमपी गर्ग सीएमएचओ हूँ सर। मेरे साथ में डॉक्टर सिंह खान साहब है, सिविल सर्जन सर, और हमारा कोविड का पूरा स्टाफ भी है सर। हम आपको अभिनंदन करते हैं। मैं यही जानकारी चाहता था कि कोविड के थर्ड वेव की बात जो चल रही है उससे निपटने के लिए आपने क्या तैयारियां की है, बहुत संक्षेप में बताइए जिससे मैं आश्वस्त हो सकूं कि बुरहानपुर पूरी तरह तैयार है। जी सर, सर जैसी की आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर में भारत में बच्चों का संक्रमण होगा सर, उसके लिए हमने पीडियाट्रिक वार्ड में 10 सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन की लगा ली है सर, और आईपैड और सीपैक मशीन और बच्चों के वेंटिलेटर्स में बनाया सर। हमारा स्टाफ उसको ग्रीन यहाँ पर चलाने के लिए सर, और हम 1000 लीटर और 10 मिनट ऑक्सीजन वाला प्लांट हम आपने जो स्वीकृत किया सर, उसका कार्य फ्रांसी शर्ट वगैरह बनाया गया सर। जो सीटी स्कैन मशीन की जरूरत होती है सर, जिसमें टेस्ट इंफेक्शन पता लगता है कोविड का सर, उसका अभी कार्य चालू है, सिविल वर्क पूरा हो गया सर। 10 बेड का हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू सेंसर हो गया सर, और 120 बेड अतिरिक्त ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के लिए भी सर हमारे स्वीकृति आपकी तरफ से मिल गई सर, उसका भी काम चालू हो जाएगा सर। जो हमारे ओटी भी चालू हो गया सर, मैं बोला ओटीपी तैयार हो गया नहीं सर? जी सर, तो आप पूरी तरह से तैयार है कोरोना से लड़ाई के लिए? जी सर बिल्कुल सर। आपके दवाई की और बाकी व्यवस्था है सर? आप शासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है सर, और जो भी हमको जरूरत पड़ता है हम कर रहे हैं, जी चोरी वो हमको लगातार मिल पा रहे हैं। अरे कोरोना से लड़ते लड़ते थक तो नहीं गए? नहीं सर, हमारा स्टाफ अभी बिल्कुल तैयार है सर, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए पूरी तैयारी। चलिए इस जज्बे के लिए एक बार ताली बजाकर स्वागत करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर कार्यालय भोपाल में
लाडली लक्ष्मी योजना अपेक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना से आप लाभान्वित हुए हैं, अपेक्षा उन्होंने जी करके बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अपेक्षा बेटी मेरी आवाज आ रही जी सर। नमस्ते, अभी कार्य में कर रहे हैं आप? नहीं, बेटी कहाँ है मेरी बेटी? अच्छा, दृष्टि? हाँ दृष्टि। कितनी उम्र है अभी बेटी की? 14 मंथ। अच्छा अच्छा, तो अभी आपको प्रमाण पत्र मिला कि नहीं लाने लक्ष्मी का? सब मिल गया। मिल गया? अरे क्या बनाओगी बेटी को, यह बताओ। सर का डॉक्टर बनाएंगे। अरे वाह, तालियां बजाओ। लाडली लक्ष्मी बेटे क्यों कलेक्टर नहीं बन सकते? और देखो इस पर पूरी व्यवस्था की है। आज जैसे मैं बता रहा था, पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2000, आठवीं पास करके नौवीं में जाएगी तो 4000, दसवीं ग्यारहवीं में फिर 6000, और अब तो ये भी तय कर दिया कॉलेज में एडमिशन दिलाओगी तो 20000 रुपया और अलग से दिए जाएंगे। और सुनो एक बात और कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में नीट की परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता है, एडमिशन हुआ तो मेडिकल कॉलेज की फीस भी मम्मी नहीं भरवाएगी, मामा भरवाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवासीय पट्टा वितरण में अलका पति मित्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे। अलका जी से, अलका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप भी ठीक है और नितिन जी भी ठीक है? अच्छा, पट्टा मिल गया क्या आपको? आज मिलने वाला है, ऐसा ना हो मुख्यमंत्री जाए तो मिलेगी। पट्टे के बाद मकान बनाएंगे आप? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। नहीं, लेकिन मुझे पट्टा ना होने की वजह से मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए जो पट्टा नहीं था तो आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता, अब पट्टा मिला तो आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए पहला चरण पट्टा देना और दूसरा चरण फिर वहां मकान बन जाए, इसकी चिंता करना। तो आपको अलका बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। अभी आप पट्टा लेके जमीन के मालिक बनिए और बाद में हम फिर इस पर मकान बन जाए इसकी भी चिंता सरकार करेगी। आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये पट्टा तो अलके के नाम पर होगा कि दोनों के तौर पर? अलके के नाम है ना। इस बात तय किया महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि पट्टा और बहन के नाम पर हो तो दादागिरी ना कर सके। मुख्यमंत्री जी से, हमारे बहनपुर में बसार ऐसा पंचायत है जहाँ 100% वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। सुभाष स्कूल से बसार के मित्र बैठे हैं, बसार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या टीकाकरण कितना हुआ भैया आप बताओ? सरपंच, आपका नाम सरपंच साहब बता दे पहले। माइक ऑन करो सरपंच साहब।